फिर वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेल। तो सेल जो है इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल के बिना जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसको बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं देखूँ कि मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, और इसको मैं फर्दर अगर छोटे छोटे कंपार्टमेंट में तोड़ना चाहूँ, मान लो मैंने इसको फर्दर स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ दिया, तो ये जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि अगर सर्वाइवल चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो वहाँ पे बेसिक यूनिट जो है वहाँ पे सेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल जो है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कि सेल जो है लाइफ प्रोवाइड करता है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल नहीं है तो वहाँ पे एग्जिस्ट लाइफ नहीं कर सकती। तो दैट इज द बेसिक पॉइंट अबाउट द सेल। अब हम ये सोच सकते हैं, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनिज्म है उनमें कितने सेल्स होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए। तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, या फिर ये मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर से हमें समझ आता है, यूनि का मतलब वन, ठीक है, मल्टीपल का मतलब नंबर्स, मैनी मैनी इन नंबर्स, ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो एक सेल जो है, एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है, बट वही सेल जो है वो सर्वाइवल जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है ऑर्गेनिज्म को। मींस कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसका मतलब है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये एक सेल सारी वो एसेंशियल चीजें प्रोवाइड कर सकता है जिससे वो ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रह सकता है, ठीक है, इसको किसी और सेल की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको मल्टीपल सेल्स की जरूरत होती है, ठीक है, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको किस कैटेगरी में डाला जाता है? मल्टीसेल्युलर, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस, तो ह्यूमन किस में आते हैं? मल्टीसेल्युलर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें मल्टीपल सेल्स काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू, एक दूसरे के मतलब हेल्प लेते हैं वो, ठीक है, सर्वाइवल करवाने के लिए। तो हम इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारे जो मल्टीपल सेल्स हैं ये ग्रुपिंग में काम करते हैं। अगर हमें बोला जाए कि हम एक सेल में सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। यूनिसेल्युलर भी होते हैं ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव भी करते हैं, तो इसीलिए उनको डाला गया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे अमीबा हैं, ठीक है, तो वो यूनिसेल्युलर हैं, उनको उनका एक ही सेल है जो उनको सर्वाइवल दे रहा है, उनको मल्टीपल सेल्स की जरूरत है ही नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल जो है वो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है कि सेल क्या है, मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी देखेंगे कि जो सेल्स हैं उनको डिस्कवर किसने किया था, कि सबसे पहले किसने देखा, किसने डिस्कवर किया इसको। तो अगर मैं देखूँ सेल्स का, तो साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, एक एंटोन वैन लेवेनहुक, उनका नाम है एंटोन वैन लेवेनहुक, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्टडी किया था, या सबसे पहले हमें सेल के बारे में बताया था, डिस्क्राइब किया था इन्होंने सेल को, डिस्क्राइब किया था सेल को, ठीक है। सेल भी कैसा? लाइव सेल, ठीक है, इन्होंने लाइव सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि जो हमारे जिंदा सेल्स या जिंदा जो लाइव ऑर्गेनिज्म है उनके सेल किस तरह से देखते हैं, जब वो लाइव होते हैं किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिए थे? एंटोन वन लेवेनहुक ने दिए थे। एक और साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक का नाम सुना होगा, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, स्टडी किए थे, उन्होंने भी सेल को बताया था स्ट्रक्चर उनका, उन्होंने बोला था कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए थे, फर्स्ट अगर मैं बोलूँ लाइव सेल किसने दिए थे, तो एंटोन वन लेवेनहुक।
सेकंड मैं जितना रिकॉल कर सकती हूँ रॉबर्ट हुक इन्होंने भी बताया था सेल के बारे में कि सेल जो होते हैं कुछ इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। तो इन्होंने बोला था कि ये सेल है, जो एक एक कंपार्टमेंट इन्होंने बताया ना, ये सेल है कि सेल इस तरह से दिखते हैं। और इन्होंने किसमें देखा था, ये कॉर्क सेल थे, ठीक है, जो कि डेड थे, जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो ये डेड सेल, इन्होंने डेड सेल में स्टडी किया था। और इन्होंने किसमें किया था, लाइव सेल स्टडी किया था। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे। तो अगर हमें आता है तो लाइव सेल किसने स्टडी किए थे, सबसे पहले एंटोन वन लेवन हो, ठीक है। तो डिस्कवरी में ये थोड़ा सा क्लियर है ओवरव्यू कि किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा ओवरव्यू देखेंगे कि सेल दिखता कैसे है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका और कैसे ये काम करते हैं, किस तरह के सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल्स क्या हैं। तो अगर मैं सेल के बारे में देखूँ तो सबने हमने एक एक्सपेरिमेंट किया होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा होता है, कई बार करवाते हैं एक्सपेरिमेंट जिसमें हम अनियन के सेल जो हैं वो स्टडी करते हैं, अनियन सेल या फिर हमने चीक सेल लिए होते हैं, चीक सेल, ठीक है, अनियन सेल, अनियन को रख देते हैं हम, ठीक है, वाटर में और उससे एक्सटेंशंस निकलते हैं रूट्स में, उसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और स्लाइड बनाते हैं, उसमें हम माइक्रोस्कोप के नीचे वो स्टडी करते हैं। तो अनियन सेल किसके सेल हैं, प्लांट सेल हैं, ठीक है। और चीक से हम कई बार चीक से भी लेते हैं सेल्स, अपने यहाँ पे स्क्रैप ले लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, तो उनको बोलते हैं चीक सेल। और चीक सेल्स क्या होते हैं, ह्यूमन सेल हैं, मन मतलब एनिमल सेल हैं, ठीक है, एनिमल या ह्यूमन सेल, एनिमल सेल्स ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट सेल, ये क्या है, एनिमल सेल, तो दो तरह के सेल्स होंगे, ठीक है। अब है कि हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं, एनिमल सेल्स कैसे दिखते हैं, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वैसे अगर मैं डिटेल में हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि जो सेल के अंदर के जो इंट्रासेलुलर पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं प्लांट सेल को वैसे ही हम जनरली सोचें तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस चलती है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में चलती है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऑर्गेनिल्स होगा, क्लोरोप्लास्ट, हम में तो होते नहीं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और दूसरा एक आता है कि इसकी जो आउटर कवरिंग है ना सेल की, वो क्या है, बहुत ही हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको एक्स्ट्रा एक कवरिंग आती है सेल वॉल। तो इसमें क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो इसमें क्या होता है, बाहर की जो कवरिंग है दैट इज नोन एज सेल वॉल, वो हमारे जो एनिमल सेल है इनमें नहीं होता, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ठीक है। तो हमने स्टडी की होते हैं सेल्स, ये एक्सपेरिमेंटली लैब में सबने किए होते हैं, बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हमारा एक और टॉपिक रहता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्यों हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मतलब डिफ्रेंशिएट क्यों किया हुआ है, इनको क्या मतलब है हमें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हम सेल भी तो होते, तो इसमें डिफरेंस है। प्रो का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो मेन जो इनको डिफ्रेंशिएशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस के बेस पे इनको डिवाइड किया हुआ है, ये भी इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसमें और इसमें फर्क है, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और इसमें क्या है, इसमें प्रो से हम याद रखेंगे, प्रो का मतलब वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मीन्स कि ये फॉल्स है, इसका भी हम समझेंगे कि व्हाट यू मीन बाय फॉल्स एंड ट्रू। तो ट्रू का मतलब है कि जो न्यूक्लियस जब बनेगा, हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा ना तो प्रॉपर होगा, ट्रू, ट्रू जिसको बोल रहे हैं, प्रॉपर मीन्स कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या रहता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के बाहर एक प्रॉपर कवरिंग होगी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। इसका जो न्यूक्लियस रहेगा ना उसको हम जनरली न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं होते, क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसी तरह से पड़ा रहता है सेल के अंदर, इसमें कोई कवरिंग नहीं आती। तो बस वही डिफरेंस है प्रो और यू में, मीन्स इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है जेनेटिक मटेरियल के बाहर, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मान लो डीएनए है, तो डीएनए के बाहर एक कवरिंग रहती है, ठीक है, कवरिंग प्रॉपर, तो उसको बोल दिया हमने यूकैरियोटिक सेल और इसको बोल दिया हमने
प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बाकी और भी डिफरेंसेस हैं, बट मेनली जो हमें यहाँ से पता चल रहा है इनकी नेमिंग से कि व्हाई इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाई इट इज नोन एज यूकैरियोटिक, तो इसका मेनली डिफरेंस न्यूक्लियस से ही है, ठीक। प्रो मीन्स दैट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन जेनेटिक मटीरियल इन न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। और द जेनेटिक मटीरियल बाउंड बाय प्रॉपर मेम्ब्रेन एंड दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस इस तरह का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखते कैसे हैं, यूकैरियोटिक कैसे दिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक, एक बात तो ये है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं, हमने देखा कि प्रॉपर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन में नहीं है, प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, और यूकैरियोटिक में प्रॉपर जो है वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं, इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल क्या है, किस में आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल क्या है प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं, और तो इसमें आते हैं हमारे जैसे मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, मेनली हम बैक्टीरिया को ही देखेंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, और भी आते हैं इसमें जैसे माइकोप्लाज्मा है, तो ये भी इसमें ही आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं, और एक मेजर और डिफरेंस है, यूकैरियोटिक में कौन से आते हैं, एनिमल सेल, जैसे ह्यूमन सेल्स हैं तो वो भी यूकैरियोटिक हैं, इसमें आएंगे यूकैरियोटिक सेल में, और प्लांट सेल भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है, फंजाई ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह, तो अगर एक और डिफरेंस मैं देखूं, इसमें काफ़ी टाइम जो है वो डिफरेंस ही मेनली प्रायोरिटी रहती है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक तो हमने न्यूक्लियस का देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल क्या हैं, बैक्टीरिया किस तरह के हैं प्रोकैरियोटिक हैं, एनिमल किस तरह के हैं यूकैरियोटिक। तो एक और डिफरेंस हमें वैसे ही जजमेंट हो रही है कि इनकी जो बैक्टीरिया का जो साइज है ना, ये स्मॉल साइज के रहते हैं, तो हमारे हम देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्मॉल साइज है, ठीक है, तो वो किस में आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, और एनिमल सेल जो होते हैं ये थोड़ा सा लार्ज होते हैं इन साइज, लार्ज साइज, ठीक है, वो किस में आ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो ये हो गए, नेक्स्ट न्यूक्लियस का ही डिफरेंस हमें और भी बहुत और भी कुछ डिफरेंसेस हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका कि स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ, अगर मैं बैक्टीरिया का, मैं बैक्टीरिया का यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर ले लूँ, तो अगर हम सारे डिस्कस करेंगे, सारे हम डिस्कस कर नहीं सकते, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो सेल में क्या होता है, मेजर थिंग्स जो मतलब बिल्कुल ही हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर रहता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने बोला एक तो बैक्टीरिया का कुछ इस तरह का आउटर कवरिंग, कवरिंग तो रहेगी, कोई भी अगर सामान है मान लो किसी का, तो एक उसमें बॉक्स में ही कैरी करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा सेल के अंदर का, वो ये कवरिंग के अंदर रहेगा, तो जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोल देते हैं हम, ये है एक आउटर कवरिंग, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल, सेल की वॉल है, और ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे इस तरह से, और इसके नीचे जो सेल वॉल के नीचे वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बीनीथ सेल वॉल, सेल वॉल रहेगी, उसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से दो कवरिंग आते हैं मेनली, एक और कवरिंग भी कई बार दिखाई जाती है, यहाँ पे कैप्सूल बोलते हैं उसको, वो सबसे बाहर रहती है, ठीक है, सबसे बाहर, पर हम मेजरली अगर देखें तो यही कॉमन स्ट्रक्चर रहता है कि एक सेल वॉल रहती है, सेल वॉल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसको प्रोटेक्शन दे रही है मेजरली, क्या वर्क है इनका, जैसे घर की दीवारें हैं तो वो क्या काम कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है स्ट्रक्चर को, तो उसी तरह से यहाँ पे काम है इसका, सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का, दोनों का। और यहाँ से एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जो भी बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैजिला, और इसकी नेमिंग क्या है, फ्लैजिला, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प। और मैंने एक और बात बोली थी कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनमें क्या है कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है दैट इज लाई इनसाइड, ठीक है, विदाउट एनी सेल विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंडिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके बाहर, कवरिंग कोई नहीं है, तो इस तरह का जब जेनेटिक मटीरियल हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, इसको प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं बोला जाता, इसको न्यूक्लियोइड इसीलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियस टाइप है,
बट मेम्ब्रेन नहीं है तो इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला गया, ठीक है। बाकी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये एक मेम्ब्रेन रहेगी बाहर कवरिंग, उसके अंदर जिसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, और बाहर जो बीच का स्पेस बच गया, ठीक है, ये क्वासी लाइक फ्लूड, फ्लूड मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस जेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये फ्लूइड रहेगा, जो जितने भी रिएक्शंस चलेंगे वो यहाँ पे इस स्पेस में जो है वो कैरी आउट होते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। बाकी इसमें एक और चीज रहती है, राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ये देखो, इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो ऑर्गेनिल्स होते हैं। ऑर्गेनिल्स मीन्स कि एक तो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उनको ऑर्गेनिल्स बोल देते हैं। छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होंगे, हम शो करेंगे इसमें सेल में, तो उसको बोल देते हैं हम जैसे राइबोसोम। और क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक राइबोसोम है, एक तो न्यूक्लियस था जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और एक है राइबोसोम, बस यही इसमें स्ट्रक्चर है मेनली। ये हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम स्टडी करेंगे यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में हम कौन सा सेल डिस्कस कर रहे हैं अभी, एनिमल सेल लूंगी मैं, ठीक है, एनिमल सेल। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स कैसे हैं, एनिमल सेल में मैंने बोला ये वाली जो सेल वॉल होती है दैट इज एब्सेंट, इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्या होती है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें हमारी सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसमें कौन सी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। और सेंटर में क्या रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल। मान लो यहाँ पे हम में क्या रहता है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक, ये हो गया, ठीक है। एक न्यूक्लियस है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच में हमने बोला था क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो कॉमन ही है प्रोकैरियोटिक की तरह ही, साइटोप्लाज्म, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जेल लाइक फ्लूइड रहता है जो इसको भर देता है अंदर से, ठीक है, वॉइड नहीं रहता सेल हमारा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसका स्पेस कैरी आउट कर लेता है। अब है कि और क्या चीजें हैं, अब इसमें मेजर डिफरेंस तो हमने देख लिया था, बाकी और भी डिफरेंसेस किसके बेस पे हैं, ऑर्गेनिल्स। ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स में डिफरेंस, ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, ये है न्यूक्लियस, जिसके पास क्या है अंदर, डीएनए। अब न्यूक्लियस के अलावा जितने भी हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेंगे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, और वो मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे, ठीक है, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। तो अगर मैं इनमें सिमिलैरिटी देखूँ तो अभी तक क्या है, दोनों में जेनेटिक मटेरियल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस न्यूक्लियस में है कि वो मेम्ब्रेन है वहाँ पे, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है। बाकी साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक और ऑर्गेनेल जो हमने यहाँ पे लगाई थी, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या है, राइबोसोम्स। इतना क्लियर है प्रोकैरियोट यूकैरियोट। अब और डिफरेंसेस क्या है कि यूकैरियोटिक सेल थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे। हमने सिर्फ राइबोसोम देखे थे प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे और भी ऑर्गेनिल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड और भी ज्यादा ऑर्गेनिल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं न्यूक्लियस के साथ में देखूँ तो न्यूक्लियस से ही एक्सटेंशन रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर मैं इस तरह से बना दूं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शन भी हम बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, फंक्शन हम इनके बाद में देखेंगे। ईआर रह गया, इसको ईआर बोल देते हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरह का, इस तरह का, इसको बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज, नेमिंग थोड़ी सी फनी है, इसको बोलते हैं हम गोल्जी बॉडीज। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं,
ठीक है, जैसे हमारा घर होता है उसमें मेंबर्स के अपने अपने फंक्शन वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हमारे जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनके अपनी अपनी काम है, ये अपने अपने फंक्शन जो है वो करते हैं सर्वाइवल के लिए, जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया। एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजोम। एक इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोला जाता है लाइसोजोम, और एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है जो हम देख के ही मतलब आइडिया लगा देते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रियोल। ये बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हमारे यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, ठीक है, राइबोसोम्स का काम क्या है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है, इनकी नेमिंग भी इस तरह से हुई है इनके फंक्शन के बेस पे। तो राइबोसोम का काम क्या है, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। गॉल्जी बॉडीज का काम क्या है, जिस तरह से पोस्टमैन जो है वो चीज़ें जो है वो डिलीवर करता है, उस तरह से डिलीवरी का काम हमारी गॉल्जी बॉडी का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ठीक है, इसमें भी फोल्डिंग होती है हमारी प्रोटीन्स की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है पावर हाउस बोला जाता है, पावर का मतलब ही क्या है कि इसमें एनर्जी बन रही है। लाइसोजोम्स का काम है कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ गलत बन गई, ठीक है, जैसे ही हमारे घर में होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ गलत बन गई तो उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी तरह का डस्टबिन आता है लाइसोजोम, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमें पता है जितने भी रिएक्शंस चलेंगी वो साइटोप्लाज्म में चलेंगी, ठीक है, क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स तो नहीं है, ऑर्गेनिल्स यही हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन ने जिसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर हैं वो आएंगे ऑर्गेनिल्स में, ठीक है। तो सेंट्रियोल जैसे बोल देते हैं, जब हमारा सेल डिवाइड, एक सेल जो है वो दो बनाता है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, तो उस टाइम जो है डिवीजन जब चलता है तो ये एक ऑर्गेनिल है सेंट्रियोल, ये काम करती है सेल डिवीजन में। तो इस तरह से है, मेजर डिफरेंस हमने देख लिए, ठीक है। प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक मेन डिफरेंस इसके नेमिंग से है, व्हाट डू मीन बाय प्रोक्रियोटिक एंड यूकेरियोटिक। प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है। अदर डिफरेंसेस हमने देख लिए कि इसमें राइबोसोम ही है एक ऐसी ऑर्गेनिल्स जो दोनों में है, प्रोक्रियोट में भी और यूकेरियोट। अगर सिमिलैरिटी देखे ना तो राइबोसोम्स दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, प्रोटीन्स बनेंगी राइबोसोम में, ठीक है। और एक और बात है यहाँ पे, ये राइबोसोम ना साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये इस पे भी अटैच रहते हैं, जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनिल है ना, कई बार इस पे अटैच्ड रहते हैं ये। तो अगर वो अटैच्ड हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम रफ, मतलब ईआर को ही बोल दिया हमने रफ। कब बोला रफ, जब यहाँ पे राइबोसोम आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है तो उसको हम स्मूथ बोलेंगे, स्मूद ईआर, ठीक है ईआर ही, बट उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम, कि वहां पे राइबोसोम ऑर्गेनिल इसके साथ अटैच है, अगर अटैच है तो उसको रफ बोलेंगे, अगर अटैच नहीं है तो उसको बोलेंगे स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने डिफरेंसेस देख लिए इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सेल जो हमने डिस्कस किया कि सेल किस तरह से दिखता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं हमारे, ठीक है। और प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल में भी हमने जो है यहाँ पे डिफरेंस देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लो हमने देखा, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा, हमें नहीं पता कि इस स्ट्रक्चर के मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन की क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस का काम क्या है, ये सारे फंक्शन हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट दी सेल। दैट्स ऑल अबाउट दी सेल हियर, यहाँ पे सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है सेल के बारे में, ठीक है। और डिफरेंस है प्रोकैरियोट की, मेजरली ये फोकस है ऑन द डिफरेंस, ऑन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।